अभी तोते तूफान का कहर कम नहीं हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक और चेतावनी दी है, मौसम विभाग ने एक और भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 72 घंटे में एक और तूफान भारत में अपना कहर मचा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर अंडमान सागर और बंगाल के पूर्व मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है, और अगर हमारा अनुमान सही है तो ये चक्रवर्ती तूफान के रूप में उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी रफ्तार भी चक्रवर्ती तूफान तौते की तरह काफ़ी तेज हो सकती है। हम आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अंडमान सागर और बंगाल के पूर्व मध्य खाड़ी में बन रहा कम दबाव इसका कारण है। अगले 72 घंटों में चक्रवर्ती तूफान में ये बदल सकता है। पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 25 मई तक हल्की हल्की बारिश होगी और जैसे जैसे चक्रवर्त बढ़ता जाएगा, ताकतवर होता जाएगा, वैसे वैसे बारिश भी तेज होती जाएगी। वही तोते तूफान हल्के हल्के कमजोर पड़ रहा है। अगले 48 घंटे तक तोते तूफान को महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद इसका कहर और इसकी रफ्तार पूरी तरह से थमने की उम्मीद है। वही आपको बता दिया जाए कि दिल्ली ने मई के महीने में सबसे ज्यादा रेनफॉल को रिकॉर्ड किया है। हम आपको बता दें कि 119.3 mm रेनफॉल दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मई के महीने में सबसे ज़्यादा है। तो 1951 का रिकॉर्ड तोड़ा है दिल्ली के रेनफॉल ने। लेकिन मौसम विभाग की नई चेतावनी सबब बन रही है कुदरत के कहर का। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।